शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन आखिर उन्हें पात्राचौल जमीन घोटाले के गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मुंबई के पश्चिमी उपनगर गोरेगांव की पात्राचौल सुर्खियों में है। देखिए ये हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्राचौल जहां पर स्थित है उस जगह पर पहुंच चुका है इंडिया न्यूज और आपको तस्वीर दिखाएगा किस तरीके से यहां पर यह बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कैसे गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, जो कि प्रवीण राउत की कंपनी, जो कि संजय राउत के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते हैं, उनकी कंपनी किस तरीके से एक दो नहीं करीबन 672 लोगों को यानी करीबन 700 लोगों को साथ चीट किया, उन्हें घर नहीं दिया। यह वही जगह आप देख रहे हैं, जो जगह इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गोरेगांव इलाके में, गोरेगांव वेस्ट में सिद्धार्थ नगर इलाका आता है। सिद्धार्थ नगर का यह पत्रा वाला चाल है। यह जगह जो है यह बहुत छोटी जगह नहीं है, आपको हम दिखाएंगे चौतरफा कि किस तरह, देखिए यहां से कि एक तरह से अगर कैमरा पैन करके हम दिखाएं आपको कि एक दो एकड़ की नहीं करीबन ये पूरी जगह जो है चौतरफा फैली हुई है। यह करीबन 48 एकड़ की जगह है, यानी 48 एकड़ की जगह में पूरा यह इलाका फैला हुआ था। उन सभी जगहों को एक साथ यह गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया गया म्हाडा के तहत, और म्हाडा के तहत इसलिए दिया गया कि यह जगह को डेवलप किया जाए। डेवलप करने के बाद ये जो 672 यानी जो यह पहले टेनेंट थे, जो चाल में जो रहने वाले लोग थे, उन्हें पहले घर दिया जाएगा, उनके लिए फ्लैट बनाया जाएगा, उसके बाद सेल की बिल्डिंग बनाई जाएगी, फिर म्हाडा को बिल्डिंग दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि ठीक यहां से दूसरी तस्वीर दिखाऊं आपको, जो बड़ी बड़ी गगनचुम्बी इमारतें बनी हुई है, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनी हुई है, उसको सेल के लिए बनाया गया था और वह अन्य लोगों को बेचा जाएगा। हालांकि अब पूरा मामला ही जाहिर सी बात है जिस तरह घोटाले में आया, स्कैम किया गया, तब से यह ठंडे बस्ते में जा चुका और यह कारण है कि किस तरीके से यहां पर बड़ा घोटाला हुआ है। आपको बताते चले हम आपको इसके साथ में ही, ये जो जगह आप देख रहे हैं यहां पर एक दो नहीं, यहाँ पर एक साथ 672 फ्लैट तो बनाने ही थे, यानी जो टेनेंट है उनके लिए फ्लैट बनाने की बात चल रही है। और देखिए कि जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये 9 बिल्डिंगें हैं, एक दो नहीं 9 बिल्डिंग है एक साथ में अलग अलग विंग में बनाई जा रही है, और 9 बिल्डिंगों को 12-12 माले की बिल्डिंग बनाई जानी है, और इसमें से 672 लोगों को घर यहां दिया जाने का था पहला, लेकिन वह नहीं हो सका। करीबन जानकारी 2007 से चल रहा था प्रोजेक्ट, लेकिन उसके बाद से भी सब कुछ गड़बड़ हुआ और आज तक नहीं हो पाया। लेकिन अब चूंकि संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं तो यह पूरा मामला फिर से एक बार खुल चुका है, और अब उम्मीद एक बार जगी है लोगों को कि शायद फिर से उनका जो आसियाना है मुंबई में, जो एक सपनों का घर कहा जाता होगा घर था, वह शायद फिर से उन्हें एक बार मिल सकता है, इसकी संभावनाएं अब अधिक बताई जा रही है। कैमरा विश्व के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।